जय हिंद साथियों स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैटिक्स में रुख करते हैं बिहार की तरफ दोस्तों बी की तरफ से बिहार में डीएलएड की परीक्षा होनी है अब ये डीएलएड क्या है तो देखिए जो भी शिक्षक बनना चाहते हैं छात्र यहाँ पे उनको वन टू फाइव में पढ़ाने के लिए कुछ न्यूनतम योग्यताओं की ज़रूरत होती है जैसे कि वन टू फाइव के टीचर बनने के लिए आपको ट्वेल्थ पास होना जरूरी है प्लस में आपका डीएलएड पास होना ज़रूरी है और थर्ड में आपके पास सी का जो पेपर वन होता है वो पास होना जरूरी है तो आपके पास ये अगर तीनों योग्यता है तो आप शिक्षक बनने के लिए योग्य है अब यहाँ पे जो है बीपीएससी के माध्यम से भी वन टू फाइव में लगातार वैकेंसीज आ रही हैं बिहार में अन्य राज्यों में भी वैकेंसीज है वन टू फाइव के लिए तो ये योग्यता अगर आप रखते हैं तो ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी किसी भी राज्य में जाके आप आवेदन कर सकते हैं अब यहाँ पर जो है बिहार की मैं बात कर रहा हूँ तो बी भी जो है इस परीक्षा को कंडक्ट करती है जी हाँ डी की परीक्षा को कौन कंडक्ट करता है तो बी अब आपको जो है यहाँ पर बता दें कि ये दो साल का कोर्स होता है इसके लिए आपका एक प्रतियोगिता परीक्षा होने जा रहा है बिहार में भी हर साल होता है यहाँ पे हर सेशन में एडमिशन लिए जाते हैं तो इस बार का जो है एग्जामिनेशन डेट क्या होगा डी को लेकर बहुत सारे छात्रों ने इसका फॉर्म भरा है और करीब देखिए यहाँ पर बिहार में बात करें तो तीस हजार है ना तीस हजार सात सौ पचास समथिंग सीट है यहाँ पे है ना जिसके लिए आपको लगभग तीन सौ छः कॉलेज का सीट अलॉट किया गया है मतलब कि आप लोगों को यहाँ पे एडमिशन मिल सकते हैं हाँ सरकारी स्कूल या कॉलेज मिलते हैं जहाँ पे आपका ये कोर्स कराया जाता है तो वहाँ आप पे आपकी फ़ीस लगभग बीस से पच्चीस हज़ार के आसपास में काम हो जाता है लेकिन यहीं पे प्राइवेट इस्कूल या इंस्टीट्यूट से आप लोग जो है अपना डी का कोर्स करने जाते हैं तो वहीं पर आपका जो जो है ये फ़ीस सेक्शन जो है लगभग एक लाख डेढ़ लाख या दो लाख तक भी जा सकता है तो तो ये तो हो गई जो कि अपडेटेड है लेकिन परीक्षा की तिथि को लेकर यहाँ पे क्या है और मैंने आपको छात्र इसको क्या है इसके बारे में जारी हुआ है दोस्तों आपको बता दें कि डीएलएड संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा दो के सेशन को लेकर यहाँ पर जो है डीएलएड संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2024 हेतु ऑनलाइन माध्यम से विधिवत आवेदन करने वाले आवेदकों को और अन्य संबंधित को सूचित किया जाता है कि डी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा दो का आयोजन दिनांक तीस मार्च को बिहार में अन्य जिलों में बिहार के अन्य जिला मुख्यालयों से ये परीक्षा होगी यानी कि केंद्र आपके जो होंगे जिला मुख्यालयों में दिए जाएंगे आपको अपने जिला मुख्यालय में सेंटर मिल जाएगा और 30 मार्च को ये आपकी परीक्षा का तिथि घोषित कर दिया गया है परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु प्रवेश पत्र समिति के पोर्टल पर आपको जो है यहाँ पर आपका एडमिट कार्ड अपलोड कर दिया जाएगा और आप जो है अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड वैसे कर सकते हैं अब जाके ठीक है तो समाचार पत्रों के माध्यम से भी ये जानकारी आपको दी गई है जो कि हम आप तक साझा कर रहे हैं देखिए एक नोटिफिकेशन न्यूज़ भी दिया गया है यहाँ पे इस न्यूज़ को आप लोग अच्छे से थोड़ा सा पढ़िएगा तो समझ में भी, भी आएगा देखिएगा तो डी तो के, के कोर्स के दाखिले के लिए तीस मार्च से आपकी परीक्षा होगी और संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर यहाँ पर निर्देश जारी कर दिया गया है प्रवेश पत्र समिति के पोर्टल पर परीक्षा के एक सप्ताह पहले यानी कि लगभग जो है चौबीस मार्च तक जो है आप लोग का एडमिट uh, कार्ड आ जाएगा कब तक आ जाएगा तो एडमिट कार्ड कब तक आ जाएगा तो 24 मार्च तक आपका एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा यहाँ पे देखिएगा तो देखिएगा कॉलेज है सात सौ पचास सीटों पर नामांकन होना है तीस मार्च से ये ऑनलाइन परीक्षा होनी है अलग अलग पालियों में दो पालियों में परीक्षाएं हो सकती है परीक्षा में शामिल होने के लिए दो लाख से अधिक छात्र छात्राओं ने आवेदन किया है आपको बता दें कि डीएलएड कॉलेज में नामांकन के लिए प्रथम द्वितीय और तीसरे मेधा सूची के नामांकन विकल्प और लॉक करने के लिए सीट आवंटन का स्लाइड अप भी किया जाएगा यानी कि देखिए लगभग तीन अलॉटमेंट आपको दिए जाएंगे यहाँ पे अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो पहले अलॉटमेंट में ही आपको अच्छा कॉलेज मिल सकता है दूसरे अलॉटमेंट में भी मिल सकता है और तीसरे अलॉटमेंट तक भी आपको सरकारी जो है कॉलेज मिलने के चांसेस बनते हैं जून के अंत तक यहाँ पे नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी और नया सत्र जुलाई से शुरू हो जाएगा यानी कि इनकी क्लासेज जो है जुलाई से शुरू हो जाएंगे समिति ने कहा है कि सभी संस्थानों ने सीट का फिफ्टी परसेंट विज्ञान और फिफ्टी परसेंट कला वाणिज्य अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखा गया है यहाँ पे अगर हम बात करें उर्दू विषय को लेकर तो उर्दू विषय के लिए अभ्यर्थियों के लिए दस प्रतिशत आरक्षित सीट रखा गया है और यह बात करें तो क्षैतिज आरक्षण के रूप में यह आरक्षण लागू होगा और यह आरक्षण लाभ उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जो कि जिन्होंने प्लस टू जो है बिहार से किया है और उत्तीर्णता अपने उर्दू विषय के साथ रखा है यानी कि इन सभी विषयों में जो है आपको यहाँ पे आरक्षण का लाभ भी मिलेगा सरकारी नियम के अनुसार कुल स्वीकृत सीटों में से दिव्यांग कोटे को भी पाँच परसेंट सीट दिया गया है वहीं बिहार राज्य के निवासी हैं सेवारत है सेवानिर्मृत है, है दिव्यांगत है तो दिवंगत है यानी कि जो पी कैटेगरी से आते हैं और एक सर्विस मैन है तो उनके आश्रित पुत्र और पुत्रियों को या अविवाहित पुत्री को पाँच का आरक्षण भी यहाँ पर दिया जाएगा तो ये रूल एंड कंडीशन है यहाँ पे एडमिशन को लेकर अब मैंने जैसा कि बताया आपको कि इसके लिए आपको आप डी एल एड कर लेते हैं तो उसके बाद आपको एक पात्रता परीक्षा भी पास करनी होती है शिक्षक बनने के लिए जिसके बारे में यहाँ पे विवरण दिया गया है आपको बता दें कि देखिए जनवरी में अभी सी एग्ज़ाम हुआ है था उसका रिजल्ट आ चुका है तो वो आपके पास अगर होगा तो ठीक है नहीं तो जो टी आर होने वाला है है ना टी आर होने वाला है उसके लिए आप लोगों का जो है यहाँ पर सी का भी नोटिफिकेशन आ चुका है मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना दिया है कि आपको फॉर्म कहाँ से और कैसे भरना है तो सी ने जुलाई में होने वाली जो सी परीक्षा है उसकी घोषणा भी कर दी है नए सत्र सी टी ई जुलाई को होगी और अभ्यर्थी दो अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं उसके लिए और परीक्षा में बिहार के पाँच से छः अभ्यर्थी लाख जो है अभ्यर्थी जो आवेदन है करते हैं सी जुलाई पूरे देश भर में लगभग एक शहरों में और बीस भाषाओं में और दो पालियों में कराई जाती है पहली पाली साढ़े नौ से बारह बजे तक होगी और दूसरी पाली दो से साढ़े चार बजे तक शाम की होगी तो ये जानकारी मैंने अभी आपको दी है अपने वीडियो के माध्यम से तो ये सारी जानकारी आप तो टू कर दी है तो इन शॉर्ट आपको बता दें जो भी शिक्षक क्लास वन टू फाइव के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं है ना तो उनको सबसे पहले तो ट्वेल्थ पास होना चाहिए उसके बाद उनका डी तो डी के लिए परीक्षा यहाँ पर जो एडमिशन का डिटेल निकला हुआ है लेकिन अगर आपका पहले से डी एल कम्प्लीट है तो ये आपकी योग्यता में शामिल है और आपको सी टी टी यानी कि एक पात्रता परीक्षा देनी होती है जो कि पेपर वन का पेपर होता है यहाँ पे जिसके बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में जानकारी भी दे दी तो ये एलिजिबिलिटी है यहाँ पे इनके लिए और डी एल का अगर नया सत्र में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका जो आप लोगों ने फॉर्म भरा है डी एल एड के लिए उसका तीस मार्च से एग्जाम है और चौबीस मार्च तक जो है आपका एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा एक हफ्ता पहले आपको पोर्टल पे जानकारी दे दी जाएगी मैं आपको वीडियो बना के भी डिटेल में दूंगा लगभग 300 स्कूल मिलेंगे जहाँ पे आपका दाखिला यहाँ से होने जा रहा है तो ये सारी जानकारियाँ थी दोस्तों जो कि हमने अब तक इस वीडियो के माध्यम से साझा किया है अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं और ये डिटेल जो है मैंने टेलीग्राम पर भी अपने शेयर कर दिया है तो वहाँ से जाके इसको डाउनलोड भी कर लीजिएगा दूसरी चीज़ कि जो भी लगातार नए अपडेट आ रहे हैं नई वैकेंसीज़ को लेकर तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करके रखिए वहाँ पे आपको शेयर किया जाता है विथ पी ताकि आप लोगों तक सबसे पहले ये जानकारी पहुँचाई जा सके और आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा इस वीडियो में इतना ही दोस्तों फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा जय हिंद